हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2019 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट 6। आप हमारे से हैंडी नोट्स भी ले सकते हैं जो कि डिटेल्ड फॉर्मेट में होंगे, डिटेल्ड आपके नोट्स होंगे। सारे के सारे 10 यूनिट्स के भी अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और साथ के साथ इंडिविजुअल यूनिट, अगर पर्टिकुलरली किसी को चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट चाहिए, पर्टिकुलर किसी को फैमिली स्टडीज़ की चाहिए, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और आपके जो लाइव सेशंस हैं फूड्स के, टेक्सटाइल्स के, न्यूट्रिशन के, अपेरल के, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं रिकॉर्डेड। सो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कीजिए और मेल कर सकते हैं आप हमें threekmsfashion@gmail.com पे। सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। लेविंसन प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट इन हिज बुक एंटाइटल्ड, जो लेविंसन थे उन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल एडल्ट डेवलपमेंट इन अपनी किस किताब के अंदर, उसका क्या टाइटल था? पैसेज, सीजन्स ऑफ अ मैंस लाइफ, एडेप्टेशन टू लाइफ, या हाउ वी एज। सो यहाँ पर मैं आपको सारे जो हमारा आंसर होगा वो तो बताऊंगी, साथ के साथ बाकी जो ये टाइटल्स हैं ये भी किस किस ऑथर ने दिए थे इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जो लेविंसन थे उनका नाम था डेनियल जे लेविंसन, उन्होंने सीजन्स ऑफ अ मैन लाइफ बुक को लिखा था। पैसेज रिटन बाय गेल शेही, एडेप्टेशन ऑफ लाइफ इज रिटन बाय जॉर्ज एमन वेलेंट, एंड हाउ वी एज इज रिटन बाय मार्क एग्रोनिन। Our next question is, which of the following could maximize the use of family resource? क्या चीज़ हमारी इनमें से family resource को maximum use करने देती है? Careful selection of goals, positive attitude, family heritage, media functions, या alternation uses of resources? So इसके अंदर हमें कुछ quotes दे रखे हैं, उसको हमें opt करना है। So correct option है third, that is A, B and E. केयरफुल सिलेक्शन ऑफ गोल्स, हम अपने फैमिली के रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से कब हम कर सकते हैं? जब हम केयरफुली अपने गोल्स को सिलेक्ट करें। मीन्स फैमिली है तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी फैमिली में चार मेंबर्स हैं तो उन चारों को सबसे सूटेबल क्या हो रहा है, सबका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर एक रिसोर्स हमारे पास नहीं है, लिमिटेड है, कम है, या उस जगह पे यूज़ नहीं हो पा रहा, तो उसका अल्टरनेटिव यूज़ कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट्स द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर, कौन से हैं एलिमेंट्स हमारे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में? स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, सोर्स, सिग्नल, डेस्टिनेशन, सेंडर, एनकोडर, डीकोडर, और सेंडर, डीकोडर, फीडबैक। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज एरिस्टोटल मॉडल ने क्या कहा था, मेनली फोकस किया था स्पीकर और स्पीच के ऊपर, और उन्होंने ब्रॉडली डिवाइड किए थे पांच प्राइमरी हमारे एलिमेंट्स, कौन कौन से? स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। तो फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है एयर रिलेटेड लीगल प्रोविजन इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो एक्ट्स पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर से रिलेटेड कौन सा एक्ट था, या फिर एयर से रिलेटेड कौन सा था, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सा था, चाइल्ड से रिलेटेड कौन सा है, वुमेन से, डोमेस्टिक वायलेंस से। तो इसी तरह से यहाँ पर एयर रिलेटेड लीगल प्रोविजन पूछा है इंडिया के अंदर। ऑप्शंस है एयर एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट्स एक्ट 2006। अप्रोप्रिएट कोड्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, दैट इज ए सी डी। ये ए सी डी, ए मतलब एयर एक्ट 1981, सी मीन्स मोटर व्हीकल एक्ट 1939, एंड डी इज़ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो है ये हमारे एयर से रिलेटेड है। लेकिन हम सबको पढ़ते हैं 1948 के अंदर हमारा फैक्ट्री एक्ट एंड अमेंडमेंट आया था 1987 वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्रेस कंसर्न फॉर द वर्क की एनवायरमेंट जो है होता है वर्कर का, उनका इंपॉर्टेंट होता है जो भी फैक्ट्री के अंदर लोग होते हैं, ठीक है। और 1987 के अंदर उसको शेप किया गया था एनवायरमेंटल फोकस के लिए, ताकि एप्लीकेशन दे सके हम किस में, हजार्डियस प्रोसेसेस में। 1981 क्या था हमारा, एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। 82 के अंदर एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स ही आया था, जो ब्रॉड और जो मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड द पावर एंट्रस्टेड टू देम। 82 के अंदर एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था रेडियो एक्टिव वेस्ट का। 87 के अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन
अमेंडमेंट एक्ट आया था जो स्टेट पॉल्यूशन को और सेंट्रल पॉल्यूशन को कंट्रोल करता था, और जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 में रहा था वो 1 जुलाई 1989 को फोर्स में आया था, मींस चालू हो गया था, और उसने रिप्लेस कर लिया था हमारे 1939 के मोटर व्हीकल एक्ट को। और 1988 में जो मोटर व्हीकल हमारा एक्ट था वो हैजार्डियस वेस्ट के लिए भी प्रॉपरली पैक्ड, लेबल और ट्रांसपोर्टेड जो था ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों पर फोकस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है। लिस्ट वन के अंदर इन्होंने फूड एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, फूड स्पॉयलेज, फूड इन्फेक्शन एंड फूड कंटेमिनेशन, ये सब चीज़ें पूछी है। और लिस्ट टू यहाँ पर इन्होंने हमारी दे रखी है कि हमारे लिस्ट टू के अंदर कौन कौन से आपकी फूड एलर्जीज है, कौन सा आपका पॉइजनिंग है, कौन सा स्पॉयलेज है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा 3। आइए देखते हैं, 3 इज यहाँ पर हम कम्प्लीटली पढ़ते हैं। फूड एलर्जी क्या होती है? ट्री नट एलर्जी इज वन ऑफ द, मतलब फूड से जो एलर्जी हो जाए, कॉमनली ये फूड एलर्जी चिल्ड्रंस के अंदर, एडल्ट्स के अंदर होती है। ट्री नट इंक्लूड करते हैं हमारा वॉलनट, जो हमारा अखरोट होता है, आलमंड्स हमारे, हेजल नट्स, कैशक्यू, पिस्टाचियो एंड ब्राज़ील नट्स। दे आर नॉट द सेम एज पीनट्स, ये पीनट्स की तरह नहीं होते जो हमारे लेगम्स होते हैं या सीड्स होते हैं, या सच एज सनफ्लावर या सीसम। नेक्स्ट है हमारा बॉट्यूलिज्म, फूड पॉइजनिंग अकर होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, फूड को पॉइजन कर देते हैं, दीज आर टॉक्सिक इन नेचर, जो हमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देते हैं, डबल या ब्लड विजन देते हैं, डिफिकल्ट ब्रीथिंग देते हैं, मसल वीकनेस देते हैं, सीरियस सिम्टम्स देते हैं। जब हम मिल्क को, व्हेन मिल्क इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ, इट्स ब्रिंक ऑफ स्पॉयलेज, आपका मिल्क कैसा हो जाता है? स्पॉयल हो जाता है, ठीक है, वो एसिड से उसकी कर्डल बन जाता है, क्या हो जाता है, आपकी दही जम जाती है मिल्क में, सेम एज उसके बाद आपका अगला है फूड स्पॉयलेज भी होगी, पॉइजनिंग, एलर्जी, इन्फेक्शन की बात करेंगे। यू ईट और ड्रिंक फूड, हम फूड और वाटर पीते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अगर वो कंटेमिनेटेड होते हैं तो हमारे स्टूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस को लेके आते हैं। एंड लास्ट है हमारा फूड कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन क्या होगा, जो भी हमारे मेटल्स हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये सारे नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं, और पीपल कैन बी एक्सपोज ऑन दीज मेटल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और कंटेमिनेटेड कर देते हैं हमारे फूड और वाटर को। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमारी 3rd है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोर ऑफ अ, वन सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 91, द कोर ऑफ ऑल फूड प्रिपरेशन एंड सर्विस एक्टिविटीज इन अ फूड सर्विस यूनिट, फूड सर्विस यूनिट के अंदर जो मेन कोर है हमारा प्रिपरेशन और सर्विस एक्टिविटी का क्या है, परचेजिंग, मेन्यू, प्रोडक्शन या वर्क शेड्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मेन्यू, क्यों, क्योंकि मेन्यू पे ही बेस होता है कि हमने प्रिपेयर कैसे करना है और सर्विस कैसे देनी है। फूड परचेजिंग एक फंक्शन है, ऑर्डर द फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करती है बेसिक रॉ मटेरियल्स, किस लिए लाती है, कैसे लाती है, कि कस्टमर को जो मेन्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग लाती है। तो मेन्यू क्या है हमारा, एक लिस्ट है फूड बेवरेजेस का, या जिसको हम ऑफर करते हैं कस्टमर्स को किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे। और फूड प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर्ड फूड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर या डिजीज नॉट एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस, हमारा बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस कौन सी डिजीज नहीं है। सो ऑप्शंस है हमारे यहाँ बिल्यूमिनिया, प्री इट्स प्री स्प्यूशियोसिस, मैक्यूलर डिजीज एंड डिमेंशिया। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, दैट इज बिल्यूमिनिया, जो है वो हमारी डिसऑर्डर या डिजीज नहीं है जो बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से हो। बिल्यूमिनिया क्या है, नर्वोसिया, इसको हम सिंपली बिल्यूमिनिया भी बोलते हैं, और ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, ईटिंग हमारी पर्जिंग हो जाती है, मतलब बिंगल ईटिंग रेफर होती है, ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लोग करते हैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, और ज़्यादा चीज़ खाते हैं, तो पर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब हम रीड ऑफ द फूड कंज्यूम अटेम्प्ट करते हैं कि जो भी खाना है उसको वो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिस्क्यूबिक्यूसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस कॉज बाय नेचुरल एजिंग, ये हमारा क्या है, हियरिंग लॉस है जो एजिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, दैट इज AMD, इज अ आई डिजीज है जो हमारी वर्स हो जाती है, कब, जब हमारी परमानेंट विजन लॉस हो जाता है, और पीपल मोर देन 60 ईयर्स, तो वो हमारे ओल्ड एज में चले जाते हैं। एंड डिमेंटिया भी क्या होता है, हमारी डिजीज है जो कंडीशन क्या होती है कि मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई, लैंग्वेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हमारी थिंकिंग, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये सब हमारे कम हो जाते हैं, है ना, लॉस इन मेमोरी एक एग्जाम्पल है। और जो हमारी अल्जाइमर डिजीज है वो कॉमन कॉज है हमारे डिमेंशिया की।
नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्शन रीजन का दे रखा है. अजर्शन हैज काउंटर फिट एंड नॉक ऑफ आर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. क्या वो सेम तरह के प्रोडक्ट होते हैं? और रीजन है दे आर बोथ इमिटेशन ऑफ द ओरिजिनल. ये दोनों इमिटेशंस हैं हमारे ओरिजिनल के, लेकिन ये सेम लेबल्स, मतलब एक कॉपी तो है वो हमारी ओरिजिनल की, लेकिन वो लेबल हमारे जो है या ट्रेडमार्क है वो ओरिजिनल वाले नहीं कैरी करती. सो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है हमारा दोनों इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो नॉक ऑफ होता है वो रिजेंबल होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, लेकिन बट डज नॉट कंटेन एनी आइडेंटिकल लोगोज. नॉक ऑफ के अंदर हमारे कोई भी आइडेंटिकल लोगोज नहीं होते. और जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे अदर हैंड यूज अ ब्रांड नेम, उसके अंदर ब्रांड नेम और लोगो हमारे रहते हैं, लेकिन वो इलीगल होते हैं हमारे ट्रेडमार्क लॉ के अंडर. क्वेश्चन नंबर 94, इसके अंदर आंसर ऑलरेडी मेंशनड है. अजर्शन रीजन, द अजर्शन है द मॉडर्नाइजेशन पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट एडवोकेट्स फॉर अ चेंज इन द मिडसेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन पुअर कंट्रीज. की मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो डेवलपमेंट हो रही है वो चेंज हमारी माइंडसेट जो है इंडिविजुअल का पुअर कंट्री से थोड़ा डिफरेंट है. और रीजन है कि मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर करती है पीपल को कि वो गाइड करे अपने कल्चर्स के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, रेदर देन बाय आउटसाइड, बाहर के प्रेशर की बजाय. सो यहाँ पर मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है हमारी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो नेशन गोज एज एन ट्रांजिशन. सबसे पहले हमारा एजर्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन इसके अंदर क्या है, इनकरेक्ट है. क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है, एजर्शन तो हमारा करेक्ट है तो वो सही है, रीजन हमारा गलत क्यों है? क्योंकि जो हमारा कल्चरल मॉडर्नाइजेशन होती है वो ऐसी मॉडर्नाइजेशन होती है जो कल्चर से रिलेट करती है, ठीक है, और उसको मैनिफेस्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन फिनोमिना के द्वारा. कल्चरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इज अ थ्योरी ऑन कल्चरल मॉडिफिकेशन. मॉडर्नाइजेशन फिनोमिना इज बेस्ड फील्ड बेस्ड थ्योरी ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज. मतलब क्या है कि वो मॉडर्नाइज हो जाती है लेकिन कल्चरल बेस्ड पे ही मॉडर्नाइज हो जाती है, वो ट्रेडिशनल बेस पे मॉडर्नाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शियाज टर्म फॉर एडोलेसेंस हु हैज मेड अ कमिटमेंट बट हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड अ क्राइसिस इज, कौन सी हमारी टर्म होती है जिसके अंदर जो हमारे एडोलेसेंस होते हैं उन्होंने कमिटमेंट कर दी होती है लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता क्राइसिस का? आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी फॉरक्लोजर या आइडेंटिटी मोरेटोराइजम. सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, दैट इज आइडेंटिटी फॉर क्लोजर. आइडेंटिटी अचीवमेंट का मतलब होता है लाइफ की ऐसी स्टेज जहां पर इंडिविजुअली फाइनली अचीव कर लेता है एक ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब अपने बारे में ट्रू हमारी सेल्फ को हम लोग अचीव कर लेते हैं, दैट इज आर आइडेंटिटी अचीवमेंट. आइडेंटिटी डिफ्यूजन का मतलब होता है वो एडोलेसेंस जो अभी तक ये समझ नहीं पाता कि उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता क्राइसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी का, एंड हैव नॉट कमिटेड टू एन आइडेंटिटी, और ना ही उसने कमिट किया होता है आइडेंटिटी के लिए. देन है हमारा आइडेंटिटी फॉर क्लोजर, एक ऐसी स्टेज होती है सेल्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोजर की जिसके अंदर इंडिविजुअल ने क्या किया होता है, उसकी एक आइडेंटिटी तो होती है लेकिन उसने एक्सप्लोर नहीं किया होता अदर आइडियाज और अदर ऑप्शंस को. और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द यंग एडोलेसेंस जो होते हैं वो इस स्टेज के अंदर इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं अलग अलग ट्रायल्स, अलग अलग क्वालिटीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. नेक्स्ट, आइडेंटिटी मॉरेटोरिज्म एक ऐसा स्टेप है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग का सेल्फ ऑफ, मतलब ये एक प्रोसेस है. अचीवमेंट में हम उस सेल्फ को पा लेते हैं, डिफ्यूजन के अंदर हमने अभी तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, ठीक है, और ना ही हमें आइडेंटिटी के बारे में पता होता. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या चीज़ बोली है, जिसको कमिटमेंट होती है आइडेंटिटी के बारे में लेकिन उसने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो वो हमारी फोरक्लोजर के अंदर आती है. कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दे रखा है. ये तो हमारे यहाँ तक तो थे 95 क्वेश्चंस, जो लास्ट 5 क्वेश्चंस थे वो एक पैसेज के ऊपर बेस्ड थे. जो पैसेज था हमारा वो जननी सुरक्षा योजना, हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर दे रखा था. सो इसको आप पैसेज को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आशा वर्कर्स जो थी उसके बारे में क्वेश्चन था. सो पहला क्वेश्चन था फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाना है पैसेज से देख के, फिजिकल साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक इनमें से कौन से हैं. सो हमें यहाँ पर पढ़ के ये बताना था कि कौन सा हमारा आंसर है. आंसर फोर्थ है. जैसे मींस फिजिकल इसके अंदर क्या दे रखा है, डिफरेंस इन मीनिंग असाइन. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उन्होंने जो मीनिंग दे रखा होगा वो डिफरेंट दे रखा होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम इन को भी अच्छे से आपको ये बताएं कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, प्रॉपर तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाए, कि कौन से तुक लगाए जाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपको आइडियाज़ बहुत लगाने पड़ते हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है, आपको थोड़े से अपने लॉजिक्स क्रिएट करने पड़ते हैं. इन बिल्ड कोई ऐप नहीं है, कोई आपका फॉर्मूला नहीं है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द रैशनल ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर JSY, जननी सुरक्षा योजना के अंडर हमें क्या रैशनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की केयर के लिए? एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी, टू रिड्यूस नियोनेटल मॉर्टेलिटी, टू प्रोवाइड कैश बेनिफिट बिफोर डिलीवरी। सो आंसर इज 4, दैट इज A, B, and C। A, B, and C मीन्स कैश बेनिफिट नहीं दिया जाता, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कि वो रिड्यूस कर दे, ना ही तो मतलब माँ भी जिंदा रहे, बच्चा भी जिंदा रहे और इंस्टीट्यूट्स के अंदर सही तरीके से डिलीवरी का पूरा इंतज़ाम हो। रोल क्या होता है आशा का? सो एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एट हाउस होल्ड लेवल, प्रोवाइड कैश ट्रांसफर, प्रोवाइड एंटीनेटल केयर, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री केयर। सो करेक्ट ऑप्शन हमें पता ही है कि यह है हेल्थ केयर प्रेग्नेंट वुमेन का हाउस होल्ड लेवल पे। और कंपोनेंट्स पूछे हैं इन्होंने जननी सुरक्षा योजना के, टू एनकरेज हॉस्पिटल डिलीवरी, टू इम्प्रूव एक्सेस टू ऑब्स्टेट्रिक केयर, कैश ट्रांसफर एंड टू एनकरेज होम डिलीवरीज। सो करेक्ट ऑप्शन है 3, दैट इज A, B, and C। मतलब होम डिलीवरीज को एनकरेज नहीं करती है सुरक्षा योजना, क्योंकि हमको पता है कि घर के अंदर उतनी ज़्यादा हमारी हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, प्रॉपर हमारे इक्विपमेंट्स उस तरह के नहीं होते, सैनिटाइज नहीं होते। लेकिन बाकी वो कैश ट्रांसफर भी करती है, केयर भी करती है और डिलीवरी भी हॉस्पिटल में करने को एनकरेज करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैश ट्रांसफर टू वुमेन्स इन जननी सुरक्षा योजना आर टू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल कॉस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। किस चीज़ के लिए हम पैसा देते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं? कॉस्ट ऑफ अकम्पनिंग अटेंडेंट के लिए, ड्रग्स के लिए, हॉस्पिटल की फीस के लिए और कॉस्ट ऑफ फूड के लिए। यहाँ पर ड्रग सप्लाइज मीन्स मेडिसिन सप्लाइज है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मेडिसिन सप्लाइज के लिए उसको उनको पैसा दिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस थे हमारे, बेस किसके थे? कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के। नेक्स्ट हम आपको 2018 के क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट हमने आपको 6 पार्ट्स के अंदर जून 2019 के क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। और आप एक और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस भी मौजूद है। 2018 की सीरीज़ हम कल से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर सही लगा, अच्छा लगा हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।